हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से स्वागत है। यह घटनाचक्र पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी का डिस्कशन है, यानी इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट का हम लोग डिस्कस करें, जिसमें आज का टॉपिक है बायोडीजल। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, बायोमास से ऊर्जा का विमोचन जैविक परमाणुओं के बीच बने रासायनिक बंधों के टूटने से होता है। याद रखिएगा, ये केमिकल बॉन्ड प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा बनते हैं। अतः बायोमास में सौर ऊर्जा अप्रत्यक्ष रूप से पाई जाती है। जेट्रोफा बायोडीजल की फसल है। जेट्रोफा पुष्पीय पादपों की प्रजाति का पौधा है, जो सूखे और विनाशकारी कीटों के प्रति प्रतिरोधी है। यह ऐसे बीज उत्पन्न करता है जिसमें 27 से 40% तक तेल होता है। जेट्रोफा के तेल को डीजल इंजन में प्रयोग के लिए बायोडीजल में परिवर्तित कर दिया जाता है, परंतु जैव ईंधन जीवाश्म ईंधन के तुलना में लागत प्रभावी नहीं होता है। जीवाश्म ईंधन यानी डीजल, पेट्रोल, कोयला। तो याद रखिएगा, जैव ईंधन जीवाश्म ईंधन के तुलना में लागत प्रभावी नहीं होता है। जैव ईंधन जेट्रोफा से भी बनाया जा सकता है। करंज, महुआ और नीम आदि भी जैव ईंधन के रूप में प्रयोग में लाए जा सकते हैं। जैव ईंधन को लेकर आशंकाएं व्यक्त की जा रही है कि इससे अच्छी कमाई होने से किसान अपने खेतों में अन्य फसलों को उपजाना बंद न कर दें, इससे भारत की खाद्य सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है। याद रखिएगा, पोंगामिया पिनाटा भारत के अधिकांश शुष्क क्षेत्रों में प्राकृतिक रूप से उगता है। पोंगामिया पिनाटा के बीज में लिपिड अंश जो होता है बहुतायत में होता है, जिसमें लगभग आधा ओलिक अम्ल होता है। इसी कारण जेट्रोफा के अलावा इसको भी जो है बायोडीजल का विकल्प माना जाता है। मक्का की खेती जो है एथेनॉल के लिए की जा सकती है, जबकि जेट्रोफा, पोंगामिया और सूरजमुखी की खेती बायोडीजल के लिए की जा सकती है। उष्मा रासायनिक परिवर्तन के द्वारा ठोस बायोमास का दहन योग्य गैस मिश्रण में रूपांतरण ही बायोमास गैसीकरण है। उष्मा रासायनिक परिवर्तन के द्वारा ठोस बायोमास का दहन योग्य गैस मिश्रण में रूपांतरण ही बायोमास गैसीकरण है, और इस प्रक्रिया में जैविक पदार्थों का या जीवाश्म आधारित कार्बन युक्त पदार्थों को कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन में बदला जाता है। प्राप्त गैसों का मिश्रण ही प्रोड्यूसर गैस या सिंथेटिक गैस कहलाता है, जो स्वयं एक ईंधन है। इसका महत्व इस बात में है कि यह नवीकरणीय ऊर्जा प्राप्ति का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। सबसे सामान्य रूप से उपलब्ध गैसी कारक में लकड़ी तथा लकड़ी वाले बायोमास का प्रयोग किया जाता है। ऐसे पदार्थों जैसे नारियल आवरण, जो नारियल के छिलके होते हैं, मूंगफली के छिलके और धान की भूसी इत्यादि का भी प्रयोग किया जा सकता है, जो अन्यथा कचरा समझकर क्या किया जाता है, फेंक दिया जाता है। और इस प्रकार उत्पन्न गैसों का उपयोग बिजली पैदा करने वाले जनरेटर से जुड़े उपयुक्त रूप से जो है डिजाइन किए गए अंतर्दहन इंजन में डीजल की जगह किया जा सकता है। ध्यान रखिएगा, बायोमास के स्रोत जो है, याद रखिएगा, सीवेज है, जीव जंतुओं के अपशिष्ट हैं, वन और लकड़ियां हैं, कृषि और घरेलू अपशिष्ट है, औद्योगिक अपशिष्ट है, नगर पालिका ठोस अपशिष्ट है, नारियल के आवरण, मूंगफली का छिलका और धान की भूसी इत्यादि ये बायोमास के स्रोत हैं। पहला प्रश्न है, जैव ईंधन के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? याद रखिएगा, जैव ईंधन लागत प्रभावी होता है, यह कथन सत्य नहीं है। देखिए, जैव ईंधन जीवाश्म ईंधन के तुलना में लागत प्रभावी नहीं होता है, ठीक है, और विकल्प जो है बी सत्य नहीं है। प्रश्नगत शेष विकल्प सही है। जैव ईंधन जेट्रोफा से भी बनाया जा सकता है। करंज, महुआ और नीम आदि भी जैव ईंधन के रूप में प्रयोग में लाए जा सकते हैं। जैव ईंधन को लेकर आशंकाएं व्यक्त की जा रही है कि इससे अच्छी कमाई होने से किसान अपने खेतों में अन्य फसलों को उपजाना बंद न कर दें, इससे भारत की खाद्य सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है। ये आशंकाएं हैं जो सता रही है। प्रश्न संख्या सेकेंड है, निम्नलिखित में से कौन सी बायोडीजल की फसल है? तो आपको मालूम है इसका सही जवाब होगा जेट्रोफा, सी ऑप्शन। जेट्रोफा बायोडीजल की फसल है। याद रखिएगा, जेट्रोफा पुष्पीय पादपों की प्रजाति का पौधा है, जो सूखे और विनाशकारी कीटों के प्रति प्रतिरोधी है। यह ऐसे बीज उत्पन्न करता है जिसमें 27 से 40% तक
तेल होता है। जेट्रोफा के तेल को डीजल इंजनों में प्रयोग के लिए बायोडीजल में परिवर्तित कर दिया जाता है। प्रश्न संख्या थर्ड, नीचे चार ऊर्जा फसलों के नाम दिए गए हैं, इनमें से किस एक की खेती एथेनॉल के लिए की जा सकती है? तो आपको मालूम है एथेनॉल के लिए किसकी खेती की जाती है? तो सही जवाब है मक्का। मक्का की खेती जो है एथेनॉल प्राप्ति के लिए की जाती है। मक्का की खेती एथेनॉल के लिए की जा सकती है, जबकि जेट्रोफा, पोंगामिया, सूरजमुखी की खेती बायोडीजल के लिए की जा सकती है। प्रश्न संख्या चार है, जीव भार गैसीकरण को भारत में ऊर्जा संकट के धारणीय यानी सस्टेनेबल हलों में से एक समझा जाता है, इस संदर्भ में कौन से कथन जो है सही है? तो चलिए कथन को देखते हैं। पहला कथन है, नारियल आवरण, मूंगफली का छिलका, धान की भूसी का उपयोग जीव भार गैसीकरण के लिए किया जा सकता है। दूसरा कथन है, जीव भार गैसीकरण के द्वारा जनित ज्वलनशील गैसों में केवल हाइड्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड होती है। तीसरा, जीव भार गैसीकरण के द्वारा जनित ज्वलनशील गैसों को ऊष्मा उत्पादन में सीधे ही उपयोग कर सकते हैं, लेकिन अंतर दहन इंजनों में नहीं। तो इसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था। बताइए इन तीनों में से कौन सा कथन सत्य है? पहला कथन सिर्फ सत्य है। देखिए, ऊष्मा रासायनिक परिवर्तन के द्वारा ठोस बायोमास का दहन योग्य गैस मिश्रण में रूपांतरण ही बायोमास गैसीकरण है। इस प्रक्रिया में जैविक पदार्थों या जीवाश्म आधारित कार्बन युक्त पदार्थों को कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन में बदला जाता है। प्राप्त गैसों का मिश्रण ही जो है प्रोड्यूसर गैस या सिंथेटिक गैस कहलाता है, जो स्वयं एक ईंधन है। इसका महत्व इस बात में है कि यह नवीकरणीय ऊर्जा प्राप्ति का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। सबसे सामान्य रूप से उपलब्ध गैसी कारक में लकड़ी तथा लकड़ी वाले बायोमास का प्रयोग किया जाता है। ऐसे पदार्थों यथा नारियल आवरण, मूंगफली के छिलके तथा धान की भूसी इत्यादि का भी उपयोग किया जा सकता है, जो अन्यथा कचरा समझकर फेंक दिए जाते हैं। इस प्रकार उत्पन्न गैस का उपयोग बिजली पैदा करने वाले जनरेटर से जुड़े उपयुक्त रूप से डिजाइन किए गए अंतर दहन इंजन में डीजल की जगह किया जा सकता है। याद रखिएगा, बायोमास से ऊर्जा का विमोचन जैविक परमाणुओं के बीच बने रासायनिक बंधों के टूटने से होता है। ये रासायनिक यानी केमिकल बॉन्ड जो है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा बनते हैं, अतः बायोमास में सौर ऊर्जा अप्रत्यक्ष रूप से पाई जाती है। प्रश्न संख्या फाइव है, भारत में जैविक डीजल के उत्पादन के लिए जेट्रोफा कर्कास के अलावा पोंगामिया पिनाटा को भी क्यों एक उत्तम विकल्प माना जाता है? तो इन दोनों के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था। पहला कथन है, भारत के अधिकांश शुष्क क्षेत्रों में पोंगामिया पिनाटा प्राकृतिक रूप से उगता है। पोंगामिया पिनाटा के बीज जो जो बीज हैं, जो सीड्स हैं, पोंगामिया पिनाटा के सीड में लिपिड अंश बहुतायत में होता है। तो बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? दोनों सत्य है, यानी सी ऑप्शन। ठीक है, दोनों कथन इसके संदर्भ में सत्य है। देखिए, पोंगामिया पिनाटा भारत के अधिकांश शुष्क क्षेत्रों में प्राकृतिक रूप से उगता है। पोंगामिया पिनाटा के बीजों में लिपिड अंश बहुतायत में होता है, जिसमें लगभग आधा ओलिक अम्ल होता है। इसी कारण जेट्रोफा के अलावा इसको भी बायोडीजल का विकल्प माना जाता है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हरित ईंधन, तो चलिए इसको भी कवर कर लेते हैं। देखिए, हरित ईंधन के प्रयोग से पर्यावरण प्रदूषण में कमी आती है। एथेनॉल एक प्रसिद्ध एल्कोहल है, इसे एथिल एल्कोहल भी कहते हैं। इसका प्रयोग हरित ईंधन के रूप में होता है। एथेनॉल किसी शक्करमय पदार्थ यानी गन्ने की शक्कर, ग्लूकोज, सोरा, महुए का फूल आदि या स्टार्चमय पदार्थों से प्राप्त होता है। पाइन, करंज, फर्न से भी किण्वीकरण कर एथेनॉल प्राप्त किया जा सकता है। इसे हरित ईंधन स्रोत में शामिल करते हैं और गन्ने की खेती के द्वारा भी बायो एथेनॉल की प्राप्ति की जा सकती है। इसका उपयोग ईंधन के रूप में करके ऊर्जा प्राप्त की जा सकती है। ध्यान रखिएगा, सूक्ष्म जैविक ईंधन कोशिकाएं हैं, तो याद रखिएगा सूक्ष्म जैविक ईंधन कोशिकाएं जैव परिवर्तनीय सबस्ट्रेट में उपलब्ध रासायनिक ऊर्जा को सीधे विद्युतीय ऊर्जा में परिवर्तित कर देती है। सबस्ट्रेट के इलेक्ट्रॉनों में परिवर्तन के लिए सूक्ष्म जीवों जैसे बैक्टीरिया का उत्प्रेरक के रूप में प्रयोग किया जाता है। अपशिष्ट जल के शोधन के लिए सूक्ष्म जैविक ईंधन कोशिकाओं के प्रयोग से जल शोधन की लागत तो घटती ही है, साथ ही यह विद्युत उत्पादन का एक आकर्षक विकल्प भी है। सूक्ष्म जैविक ईंधन कोशिकाओं में मुख्यतः कार्बनिक पदार्थों जैसे ग्लूकोज, सुक्रोज, सेल्यूलोज, स्टार्च, फॉर्मेट एसिटेट,
एथेनॉल, मेथेनॉल, अमीनो अम्ल, प्रोटीन इत्यादि सब स्ट्रेट के रूप में प्रयुक्त होते हैं। साथ ही कुछ अकार्बनिक पदार्थों जैसे सल्फाइड्स का भी सब स्ट्रेट के रूप में प्रयोग होता है। देखिए, शैवाल आधारित जैव ईंधन का उत्पादन समुद्रों एवं महाद्वीपों दोनों में संभव है। इन ईंधनों के उत्पादन एवं अभियांत्रिकी करने के लिए जो है उच्च स्तर की विशेषता की आवश्यकता होती है। साथ ही अधिक उत्पादन के लिए नवाचार के लिए मतलब नवाचार के भी ज्ञान और अनुभव की आवश्यकता होती है। दुर्बल निवेश स्थिति, याद रखिएगा, दुर्बल निवेश स्थिति वाले विकासशील देशों में इस प्रकार के ईंधन का उत्पादन कठिन है, क्योंकि इसके लिए अधिक पूंजी निवेश करना या निवेश की जरूरत पड़ती है। साथ ही आर्थिक रूप से व्यवहार उत्पादन के लिए बड़े पैमाने पर सुविधाओं की स्थापना से पारिस्थितिकी और समाज प्रतिकूल रूप से प्रभावित हो सकते हैं। ठीक है, बायोस्फाल्ट डामर, याद रखिएगा, बायोस्फाल्ट डामर का विकल्प है, और इसका मतलब कि जिसका निर्माण कह सकते हैं, जिसका निर्माण गैर पेट्रोलियम आधारित नवीकरणीय स्रोतों से किया जाता है। इन स्रोतों में चीनी, सीरा, धान, मक्का, लिग्निन, सेल्यूलोज, ताड़ के तेल का अवशिष्ट, सफेद सरसों के तेल का अवशिष्ट आदि सम्मिलित है। गैर पेट्रोलियम आधारित डामर सड़कों की सतह पर तापमान कम रखने में मददगार है। अतः बायोएस्फाल्ट से सड़कों की ऊपरी सतह बिछाना जो है पारिस्थितिकी मतलब कि अनुकूल है। फ्यूल सेल में एक रासायनिक अभिक्रिया के माध्यम से विद्युत का उत्पादन होता है, न कि दहन के माध्यम से। फ्यूल सेल में हाइड्रोजन समृद्ध ईंधन, याद रखिएगा, फ्यूल सेल में हाइड्रोजन समृद्ध ईंधन ऑक्सीजन से विद्युत रासायनिक रूप से संयोग कर विद्युत धारा, ऊष्मा और जल का उत्पादन करता है। ईंधन की निरंतर आपूर्ति होने पर फ्यूल सेल से लगातार विद्युत का उत्पादन किया जा सकता है। फ्यूल सेल से डीसी के रूप में यानी विद्युत फ्यूल सेल से विद्युत दिष्ट धारा यानी डायरेक्ट करंट के रूप में जो है उत्पादित होती है। फ्यूल सेल का उपयोग भवनों को विद्युत प्रदान करने के साथ स्मार्टफोनों, लैपटॉप, कंप्यूटर जैसे पोर्टेबल उपकरणों को विद्युत प्रदान करने के लिए किया जा सकता है। तो फ्यूल सेल के जो लाभ है, ध्यान रखिएगा, पहला जो लाभ है यह पर्यावरण हितैषी है, शोर रहित है, यानी प्रदूषण जो साउंड पॉल्यूशन होता है ये रहित है। अधिक दक्षता और सेल की डिजाइन और माप का आसान मानकीकरण। देखिए, जब हाइड्रोजन हवा में जलती है तो यह ऑक्सीजन के साथ संयुक्त होकर जल का निर्माण करती है, और इस प्रक्रिया में ऊर्जा की बड़ी मात्रा यानी 150 किलो जूल प्रति ग्राम उन्मुक्त होती है। अपने उच्च बल्कि उच्चतम ऊर्जा प्रदायक मान के कारण हाइड्रोजन प्रदूषण रहित उत्कृष्ट ईंधन के रूप में कार्य करती है। हाइड्रोजन का उत्पादन जल के तापीय पृथक्करण, प्रकाश अवघटन अथवा विद्युत अवघटन के द्वारा किया जा सकता है। हाइड्रोजन के महत्व को देखते हुए भारत में वर्ष 2003 में राष्ट्रीय हाइड्रोजन बोर्ड का गठन किया गया है। इसके तहत वर्ष 2020 तक 1000 मेगावाट क्षमता की हाइड्रोजन आधारित ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है, और कई वैज्ञानिकों के अनुसार भविष्य का ईंधन हाइड्रोजन गैस है। याद रखिएगा, 2001 से ही जैविक उत्पादन के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम का कार्यान्वयन वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के द्वारा किया जा रहा है। एनपीओपी के कार्यान्वयन के लिए एपीईडीए सचिवालय के रूप में कार्य करता है, और वर्ष 2016 में सिक्किम भारत का पहला पूर्ण जैविक राज्य बन गया। याद रखिएगा, 2016 में सिक्किम जो है भारत का पहला पूर्ण जैविक राज्य बन गया। इस पर आधारित पहला प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित ईंधनों में से कौन सा न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करता है? निम्नलिखित ईंधनों में से कौन जो है न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करता है? इसका सही जवाब होगा हाइड्रोजन। देखिए, जब हाइड्रोजन हवा में जलती है तो ऑक्सीजन के साथ संयुक्त होकर जल का निर्माण करती है, और इस प्रक्रिया में ऊर्जा की बड़ी मात्रा उन्मुक्त होती है, जो है 150 किलो जूल प्रति ग्राम कह सकते हैं। अपने उच्च बल्कि उच्चतम ऊर्जा प्रदायक मान के कारण हाइड्रोजन प्रदूषण रहित उत्कृष्ट ईंधन के रूप में कार्य करती है। हाइड्रोजन का उत्पादन जल के तापीय पृथक्करण, प्रकाश अवघटन अथवा विद्युत अवघटन के द्वारा किया जा सकता है। प्रश्न संख्या सेकंड है, निम्नलिखित में से कौन सा ईंधन न्यूनतम पर्यावरण प्रदूषण उत्पन्न करता है? तो आपको मालूम है वह है हाइड्रोजन। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा ईंधन जो है न्यूनतम पर्यावरण प्रदूषण उत्पन्न करता है? इसका सही जवाब होगा हाइड्रोजन।
प्रश्न संख्या जो थर्ड है, सेम प्रश्न पूछा गया है तो सेम आंसर भी होगा। देखिए पूछा गया कि ईंधनों में से, निम्नलिखित ईंधनों में से यानी चार जो ईंधन है, इन ईंधनों में से कौन न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करेगा? तो सही जवाब होगा हाइड्रोजन। याद रखिएगा हाइड्रोजन। प्रश्न संख्या फोर है, निम्नलिखित में से कौन सा हरित ईंधन का स्रोत है? हरित ईंधन का कौन स्रोत है? तो देखिए जो ऑप्शन है, सही ऑप्शन नहीं दिया गया है। एथेनॉल एक प्रसिद्ध एल्कोहल है, इसे एथिल एल्कोहल भी कहते हैं और इसका प्रयोग हरित ईंधन के रूप में होता है। याद रखिएगा एथेनॉल। ठीक है, एथेनॉल किसी शक्करमय पदार्थ यानी गन्ने की शक्कर, ग्लूकोज, सोरा, महुए का फूल आदि या अस्टार्चमय पदार्थों से प्राप्त होता है। पाइन करंज फर्न से भी जो है कृमीकरण करके एथेनॉल प्राप्त किया जाता है और इसे हरित ईंधन स्रोत में शामिल करते हैं। गन्ने की खेती के द्वारा भी बायो एथेनॉल की प्राप्ति की जा सकती है और इसका उपयोग ईंधन के रूप में करके ऊर्जा प्राप्त की जाती है। प्रश्न संख्या फाइव है, फ्यूल सेल, याद रखिएगा फ्यूल सेल्स जिसमें हाइड्रोजन से समृद्ध ईंधन और ऑक्सीजन का उपयोग विद्युत पैदा करने के लिए होता है, इसके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, यदि शुद्ध हाइड्रोजन का उपयोग ईंधन के रूप में होता है तो फ्यूल सेल उप उत्पाद यानी बाय प्रोडक्ट के रूप में ऊष्मा और जल का उत्सर्जन करता है। दूसरा है, फ्यूल सेल्स का उपयोग भवनों को विद्युत प्रदान करने के लिए तो किया जा सकता है किंतु लैपटॉप कंप्यूटर जैसे छोटी युक्तियों के लिए नहीं। तो इसका सही जवाब होगा, देखिए ऊपर में हम लोगों ने डिस्कस किया था, जो दूसरा स्टेटमेंट है जस्ट उल्टा दिया गया है, तो पहला सिर्फ कथन सही है। फ्यूल सेल में एक रासायनिक अभिक्रिया के माध्यम से विद्युत का उत्पादन होता है न कि दहन के माध्यम से। फ्यूल सेल में हाइड्रोजन समृद्ध ईंधन ऑक्सीजन से विद्युत रासायनिक रूप से संयुक्त कर विद्युत धारा, ऊष्मा और जल का उत्पादन करता है। ईंधन की निरंतरता आपूर्ति यानी जो ईंधन की निरंतर आपूर्ति होने पर फ्यूल सेल से लगातार विद्युत का उत्पादन किया जा सकता है। फ्यूल सेल से विद्युत डिस्ट धारा यानी डीसी के रूप में उत्पादित होती है। फ्यूल सेल को या फ्यूल सेल जो है इसका उपयोग भवनों को विद्युत प्रदान करने के साथ स्मार्टफोन, लैपटॉप, कंप्यूटर जैसे पोर्टेबल उपकरणों को विद्युत प्रदान करने के लिए किया जा सकता है। प्रश्न संख्या सिक्स है, सूक्ष्म जैविक ईंधन कोशिकाएं यानी माइक्रोबियल फ्यूल सेल ऊर्जा का सस्टेनेबल यानी धारणीय स्रोत समझी जाती है क्यों? सूक्ष्म जैविक ईंधन कोशिकाएं ऊर्जा का धारणीय स्रोत समझी जाती है क्यों? तीन कथन है। पहला, ये जीवित जीवों को उत्प्रेरक के रूप में प्रयुक्त कर कुछ सब स्टेटों से विद्युत या विद्युतीय उत्पादन कर सकती हैं। ये विविध प्रकार के अजैव पदार्थ सब स्टेट के रूप में प्रयुक्त करती हैं। ये जल का शोधन और विद्युत उत्पादन करने के लिए अवशिष्ट जल शोधन संयंत्रों में स्थापित की जा सकती है। इसका सही जवाब होगा डी ऑप्शन, पहला, दूसरा और तीसरा, तीनों कथन सत्य है। याद रखिएगा, सूक्ष्म जैविक ईंधन कोशिकाएं जैव परिवर्तनीय सबस्ट्रेट में उपलब्ध रासायनिक ऊर्जा को सीधे विद्युतीय ऊर्जा में परिवर्तित कर देती है। सबस्ट्रेट के इलेक्ट्रॉनों में परिवर्तन के लिए सूक्ष्म जीवों जैसे बैक्टीरिया का उत्प्रेरक के रूप में प्रयोग किया जा सकता है या किया जाता है। अवशिष्ट जल के शोधन के लिए सूक्ष्म जैविक ईंधन कोशिकाओं के प्रयोग से जल शोधन की लागत तो घटती ही है, साथ ही यह विद्युत उत्पादन का एक आकर्षक विकल्प भी है। सूक्ष्म जैविक ईंधन कोशिकाओं में मुख्यतः कार्बनिक पदार्थों जैसे ग्लूकोज, सुक्रोज, सेलुलोज, स्टार्च, फार्मेट, एसिटेट, एथेनॉल, मिथेनॉल, अमीनो अम्ल, प्रोटीन इत्यादि सब स्ट्रेट के रूप में प्रयुक्त होते हैं। साथ ही कुछ अकार्बनिक पदार्थों जैसे सल्फाइड्स का भी सब स्ट्रेट के रूप में प्रयोग होता है। प्रश्न संख्या सात है, शैवाल आधारित जैव ईंधनों का उत्पादन संभव है लेकिन इस उद्योग के संवर्धन में विकासशील देशों की क्या संभावित सीमाएं यानी सीमा है? तो पहला है, शैवाल आधारित जैव ईंधनों का उत्पादन केवल समुद्रों में ही संभव है, महाद्वीपों पर नहीं। दूसरा, शैवाल आधारित जैव ईंधन उत्पादन को स्थापित करने और इंजीनियरिंग करने के लिए निर्माण पूरा होने तक उच्च स्तरीय विशेषज्ञता या प्रौद्योगिकी की जरूरत होती है। तीसरा है, आर्थिक रूप से व्यवहार उत्पादन के लिए बड़े पैमाने पर सुविधाओं की स्थापना की आवश्यकता होती है जिससे पारिस्थितिकी और सामाजिक सरोकार उत्पन्न हो सकते हैं। इसका सही जवाब होगा दूसरा और तीसरा कथन सत्य है, बी ऑप्शन। ठीक है, शैवाल आधारित जैव ईंधनों का उत्पादन समुद्रों और महाद्वीपों दोनों में संभव है,
इसलिए पहला कथन जो है असत्य है। इन ईंधनों के उत्पादन एवं अभियांत्रिकी करने के लिए उच्च स्तर की विशेषज्ञता की आवश्यकता होती है, साथ ही अधिक उत्पादन के लिए नवाचार भी ज्ञान और अनुभव की आवश्यकता होती है। दुर्बल निवेश स्थिति वाले विकासशील देशों में इस प्रकार के ईंधन का उत्पादन कठिन है, क्योंकि इसे अधिक पूंजी निवेश की जरूरत पड़ती है, साथ ही आर्थिक रूप से व्यवहार उत्पादन के लिए बड़े पैमाने पर सुविधाओं की स्थापना से पारिस्थितिकी और समाज प्रतिकूल रूप से प्रभावित हो सकते हैं। प्रश्न संख्या 8 है, केंद्रीय बजट 2011-12 में जैव मूल एस्फाल्ट यानी बायो एस्फाल्ट पर मूल सीमा शुल्क की पूरी छूट प्रदान की गई है, इस पदार्थ का क्या महत्व है? इस पदार्थ का जो महत्व है आपको बताना है, ठीक है? तो देखिए, इसका जो महत्व है यानी इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। जो बायो एस्फाल्ट यानी जो बायो एस्फाल्ट है, डामर का एक विकल्प है, जिसका निर्माण गैर पेट्रोलियम आधारित नवीकरणीय स्रोतों से किया जाता है। इन स्रोतों में चीनी, सीरा, धान, मक्का, लिग्निन, सेल्यूलोज, ताड़ के तेल का अवशिष्ट, सफेद सरसों के तेल का अवशिष्ट आदि सम्मिलित हैं। गैर पेट्रोलियम आधारित डामर सड़कों की सतह का तापमान कम करने में मददगार है, इसलिए जो कथन पहला, तीसरा, चौथा है सही है। तो कथन अब फिर से देखते हैं क्या पूछा गया है। पहला कथन है, पारंपरिक एस्फाल्ट के विपरीत बायो एस्फाल्ट जीवाश्म ईंधनों पर आधारित नहीं होता। क्या यह सही है? तो बिल्कुल सही है। और अच्छा, इसमें दूसरा कथन भी है। दूसरा कथन था कि बायो एस्फाल्ट नॉन रिन्यूएबल यानी अनवीकरणीय साधनों से निर्मित हो सकता है, यह जो कथन है सत्य नहीं है। तीसरा है, बायो एस्फाल्ट जैव अवशिष्ट पदार्थों से निर्मित हो सकता है, बिल्कुल सही है। और बायो एस्फाल्ट से सड़कों की ऊपरी सतह बिछाना पारिस्थितिकी के अनुकूल है, यह भी सही है। यानी पहला, तीसरा और चौथा कथन जो है सत्य है। प्रश्न संख्या 9 है, भारत का सबसे पहला जैविक खेती पर आधारित राज्य कौन सा है? जैविक खेती पर आधारित राज्य कौन सा है? तो आपको मालूम है सही जवाब होगा सिक्किम। सिक्किम भारत का सबसे पहला पूर्ण जैविक खेती पर आधारित राज्य है। प्रश्न संख्या 10 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक दुनिया का पहला 100% जैविक राज्य है? तो आपको मालूम है वह है भारत का सिक्किम राज्य। ये जो सिक्किम है, भारत का जो सिक्किम राज्य विश्व का पहला 100% जैविक राज्य है। 11 नंबर है, भारत में जैविक कृषि के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, जैविक उत्पादन के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम यानी एनपीओपी केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय के मार्गदर्शन और निदेश के अधीन कार्य करता है। एनपीओपी के क्रियान्वयन के लिए कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण सचिवालय के रूप में कार्य करता है। सिक्किम भारत का पहला पूरी तरह से जैविक राज्य बन गया है। इन तीनों कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? दूसरा और तीसरा कथन सत्य है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। 2001 से ही जैविक उत्पादन के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम का कार्यान्वयन वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के द्वारा किया जा रहा है, इसलिए पहला कथन असत्य है। एनपीओपी के कार्यक्रम के लिए एपीईडीए सचिवालय के रूप में कार्य करता है, दूसरा सत्य है। और 2016 में सिक्किम भारत का पहला यानी 100% जैविक राज्य बन गया है, 100% रूप में, तो ध्यान रखिएगा। इसी के साथ आज का सेशन समाप्त करते हैं। नेक्स्ट सेशन में हम लोग विविध के बारे में डिस्कस करेंगे, तो आप अपना प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। आपके प्रतिक्रियाओं का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। जिन लोगों ने टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम को ज्वाइन नहीं किया है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप ज्वाइन कर सकते हैं, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और घटना चक्र का ऑल पीडीएफ हमारे पास अवेलेबल है, अगर आपको जरूरत है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।